वेलकम बैक कैलेज टीवी इंडिया की एक नई वीडियो में मौसम को लेकर अभी भी एक ताजा खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश का मौसम, यूपी में बिगड़ेगा मौसम। आईएमडी ने जारी किया 48 घंटे येलो कहीं ऑरेंज अलर्ट। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में मौसम विभाग ने अब फिर बारिश को लेकर येलो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक देखें। और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शीतलहर का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच मैदानी इलाकों में गलन में काफी इजाफा हुआ है। वहीं सुबह शाम के बाद अब दिन में भी सर्दी ज्यादा असरदार हो गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोहरे में काफी इजाफा हुआ है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, झांसी, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जिनमें आपको बता दें आज सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। इस वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शीतलहर के प्रकोप के बीच लोग अलाव जलाकर किसी तरह सर्दी का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 2-3 दिनों तक लगातार कोहरे के साथ बारिश को लेकर भी आप संभावना जताई है। रात के पारे में और गिरावट देखने को मिलेगी। सामान्य तौर पर मौसम में ऐसे ही बदलाव होते रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक आज पश्चिमी यूपी सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जिनमें लगातार कोहरा, कहीं बारिश, कहीं शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर का असर बढ़ गया है। कई जगह बादलों का डेरा डालने के कारण धूप के बावजूद गर्मी में इजाफा हुआ है। हवाएं चलने के कारण शीतलहर और ज्यादा परेशान कर रही है। इस सीजन में अब रात में भी कोहरा असरदार होने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की और गिरावट देखने को मिलेगी। इससे गलन में इजाफा होगा। हालांकि अधिकतम तापमान में कोई ज्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि अभी भी दिन के वक्त ठीक ठाक तेज धूप निकल रही है। धूप निकलने की वजह से खासकर बच्चों और बुजुर्गों को बड़ी राहत मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे मौसम अब फिर अचानक करवट ले सकता है। राज्य के कई जिलों में लगातार झमाझम बारिश होने की संभावना है। कई जिलों में हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। इसी बीच अगर बात करें कि कौन कौन से जिले हैं जो जिले बारिश और कोहरे से प्रभावित होंगे, तो आपको बता दें मौसम विभाग के मुताबिक आज एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। ऐसे में आने वाले 2-3 दिनों तक गलन में इजाफा होगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आज से मौसम में बदलाव होने का अनुमान है। इस दौरान पश्चिमी यूपी के कई जिले ऐसे हैं जिनमें हल्के से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। प्रदेश में आज लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, भीमनगर, रामपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाजापुर में लगातार आसमान में काले घने बादल छाए रह सकते हैं। कई जिलों में हल्की कई बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। कुछ जिलों में तेज बारिश होगी। इसी के साथ तेज हवाओं के साथ बर्फबारी होने की भी संभावना है, जिससे आपको बता दें पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गलन बढ़ जाएगी। वीडियो के अंत में आपको बताते चले कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आपको बता दें आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग ने यहां सुबह में धुंध या हल्का कोहरा रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्रमशः 22 और 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसी बीच शीतलहर के साथ लोगों को बारिश का भी सामना करना पड़ेगा। दिल्ली की हवाएं काफी सर्द हो गई हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मौसम से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल LHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें।